जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। बात तो सही है कि ऐसा लिखा गया है, लेकिन इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सच्चाई यही है कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम मंजरी रखा है, और जब से मैं गाना गा रही हूँ तब से मैं अपना फर्स्ट नेम ही यूज़ कर रही हूँ। ये शायद उनका प्यार है जिन्होंने भी ऐसा जोड़ा है। जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं ये बात उनसे पूछना चाहूँगी जिन्होंने भी ऐसा लिखा, कि आपने ऐसा क्यों लिखा। ज़रूर। किसी और का मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। मैं 4 साल की थी जब मैं मस्कत चली गई अपने मम्मी पापा के साथ, और स्कूलिंग पढ़ाई सब कुछ मस्कत में ही हुआ है, और संगीत सीखना मैंने वहीं से शुरू किया। और उसके बाद आफ्टर माई 12th आई वॉज़ बैक इन इंडिया, और जैसे आप जानते हैं कि मैं केरल की रहने वाली हूँ, आई एम ए नेटिव ऑफ केरला। एंड मैंने कॉलेज जो है, मेरी कॉलेज की पढ़ाई सब मैंने केरला में की है। आई हैव डन अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन म्यूज़िक, और जब से कॉलेज ज्वाइन किया था तब से मैं पिक्चरों में गा रही हूँ। दक्षिण भारत के जो पिक्चर होते हैं तो उनमें मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। तो ये सब आई बिलीव दिस इज़ ऑल ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जी, मेरे करियर की शुरुआत 2004 में हुई। मैंने कॉलेज ज्वाइन की थी और तब से मैं फिल्मों में गाने गा रही हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे इंट्रोड्यूस किया था इलैयाराजा सर ने, उन्होंने ही मुझे तमिल, तेलुगू और कन्नड़ा में इंट्रोड्यूस किया। और आई हैव बीन लकी टू वर्क विथ द लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा इंडस्ट्री। एंड जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, एंड मैं म्यूज़िक से जुड़ी हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन एबल टू सिंग फॉर डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स। उनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो मेरी आवाज़ में लोगों ने सुना है, तो मैं बेहद खुश हूँ इस बात से कि आई कुड सिंग मोर देन 200 सॉन्ग्स इन मूवीज़। सो आई मस्ट से दैट आई एम रियली लकी एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड ऑन मी। जी, जब मैं 5 साल की थी तब से मैं संगीत सीख रही हूँ, और मेरे म्यूज़िक टीचर्स बहुत सारे हैं, और उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर श्यामला विनोद कुमार हैं जिन्होंने मुझे फर्स्ट सिखाना शुरू किया। म्यूज़िक के जो बेसिक्स हैं उन्होंने ही मुझे सिखाया है, और कर्नाटिक क्लासिकल से शुरुआत की थी मैंने। और उसके बाद जो भी मेरे स्कूल के म्यूज़िक टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किया है। जैसे मुझे लता जी के जो गाने थे वो सिखाते थे स्कूल में कि कैसे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे कंपटीशन में कैसे गाना चाहिए, कैसे माइक को फेस करते हैं, ये सब मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया। और आज मैं जिस पोजीशन में हूँ या जो भी मैंने गाने में सीखा है,
ये सब आई ओव ऑल दिस टू माई टीचर्स। जी मेरी एक बहुत फेवरेट गजल है, मैं वही पेश करती हूँ। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी ही फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी ही फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी ही फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी ही फिर सही। खालिद सर हैड हिज ओन कॉम्पोजिशंस, बहुत सारी गज़लें कंपोज किए थे उन्होंने और उन्होंने मुझे सिखाया भी, उसके साथ ही साथ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी सिखाया उन्होंने। और मुझे आज भी वो बातें याद हैं, वो जो कहते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं हमेशा उनकी बातें याद रखती हूँ। वो गाओ बेटा, गाते रहना चाहिए हमेशा, जब भी हम चलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, तभी दिमाग में हमेशा सरगम जैसे पलटे बनाते हैं, उस सब के बारे में सोचना चाहिए, कैसे संगीत को आगे लेके जा सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, रियाज करते रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हमेशा मेरे अंदर ऐसे आती रहती हैं और जब भी मैं कोई कॉन्सर्ट करती हूँ या फिर कोई राग सुनती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है। और खालिद सर, आई वॉज़ रियली ब्लेस्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ खालिद सर। वो चाहते थे कि वो इंडिया आए और हमने एक बार स्पेशल परमिशन लेके वो इंडिया लेकर आए थे उनको, और एक महीने तक वो हमारे साथ, ही वॉज़ देयर इन केरला, ही लव्स केरला फूड, और उसके बाद वो चले गए वापस लाहौर। ये बहुत साल पुरानी बात है, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी दैट आई कुड लर्न फ्रॉम खालिद सर। जी मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ, दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज टू वर्क विथ सच एमिनेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सच लेजेंडरी म्यूजिशंस, ये सब आई बिलीव दिस इज़ ऑल अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जैसे इलैयाराजा सर ने मुझे फिल्म म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस किया, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला मुझे। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जैसे नोटेशन, कि गाने को नोटेट करके गाना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इनफैक्ट नोटेशन। फिर माइक को कैसे फेस करते हैं और एक एक लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, क्योंकि मैंने अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं, जैसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा, और आई डिड नॉट नो दीज लैंग्वेजेस। आई नो मलयालम बिकॉज आई स्पीक मलयालम, बट आई डिड नो दी अदर लैंग्वेजेस। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना चाहिए, और वैसे एक फिल्म के गाने को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, एक वर्ड को कैसे हम उसमें फील डालते हैं, एक सिचुएशन को, एक गाने को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा उनसे, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया है और ओवर द ईयर्स दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट। वैसे ही येशुदास जी, जो मेरे गुरु भी हैं, मैंने उनसे गाने सीखा है, मैंने उनसे कर्नाटिक क्लासिकल सीखा है, तो वो मेरे गुरुजी हैं और उनके साथ परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे स्टेजेस शेयर किए हैं उनके साथ। मेरी पहली जो रिकॉर्डिंग थी, स्कूल में थी तब, और इट वाज एन एल्बम उनके साथ, उनका खुद का प्रोडक्शन था और यशोदास जी के साथ गाना था मुझे। तो उस वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे और यशोदास जी ख़ुद
मुझे सिखा रहे थे कि वो गाना कैसे गाना चाहिए. एंड दैट वॉज आई कैन से आई हैव बीन सो ब्लेस्ड, बिकॉज 8th स्टैंडर्ड में जब हम सीख रहे होते हैं, हमें एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है और उसमें साक्षात यशुदास जी, जिनको मैं देवता समान मानती हूँ, तो वो मुझे सिखा रहे हैं कि ये गाना कैसे गाया जा सकता है और इसको. और मैं बच्ची हूँ, समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन बहुत प्यार से समझाया उन्होंने. एंड वो गाना रिलीज़ हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड. और बहुत खुश हुई थी मैं. मुझे मेरी फर्स्ट CD रिलीज़ हुई और आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू टेल माई फ्रेंड्स इन स्कूल कि देखिए एक ऐसा गाना रिलीज़ हुआ है. कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ही अलग अंदाज है और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक तो आप जानते ही हैं, उसका अप्रोच बहुत ही अलग है. तो ये जो है, मेरे जो टीचर्स ने मुझे सिखाया है कि इसका कैसे डिफरेंशिएट करके गाना चाहिए. और जैसे कि उस कॉम्पोजिशन को गाते वक्त प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आलाप और सरगम लिए जाते हैं. तो ये अंदाज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम कर्नाटिक क्लासिकल गा रहे होते हैं. उसमें सरगम का अप्रोच अलग होता है. जैसे भैरव राग है, भैरव को माया मालव गौला कहते हैं इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक. तो सरगम तो सारे सेम ही हैं, लेकिन इसका चलन, इसका अंदाज़ थोड़ा अलग होता है. तो इसको समझना चाहिए पहले. और जैसे हम उसको समझते हैं, जैसे ठीक तरीके से अगर हम उसको समझ सकते हैं तो हम गा भी सकते हैं. आई हैव नॉट फेल्ट कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि जब भी हम गाते हैं, कर्नाटिक तो बहुत ही अलग है और हिंदुस्तानी संगीत में जब भैरव गाते हैं वो बहुत ही अलग अंदाज का ही गाना है. तो आई हैव नॉट फेल्ट कि ये मिक्सअप हो सकता है कभी. थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ईजी है, यू कैन डू इट. रियाज से सब कुछ हो सकता है. अब एतबार नहीं, मेरी जान किसी का नहीं, चराग सब के लिए है, धुआं किसी का नहीं. अब एतबार नहीं, मेरी जान किसी का नहीं.